नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज नेशनल हाईवे सिटी रोड से 3,96,00,000 की लागत से 1.8 किलोमीटर सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वहीं 3,41,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार की ओर से बेटियों की शादी 18 से 21 साल करने समेत गुरनाम सिंह चरूनी की ओर से पार्टी लॉन्च पर भी बयान दिया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा बयान दिया है जिसमें उन्होंने बताया कि ओबीसी की समझ के ऊपर पूरे देश पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो सही संदर्भ में ही सोच नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है, जिससे कि लड़की समझदार और व्यस्त हो जाए, वो सब चीजों को समझ सके। साथ ही उन्होंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी की राजनीति में आने के ऐलान को लेकर कहा कि हर व्यक्ति को छूट है, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है जिससे कि हर व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है, चाहे वो एक आदमी की हो, चाहे वो दो की हो या चाहे उसमें 100 व्यक्ति ही क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने पंजाब में कैप्टन के साथ हुए गठबंधन को लेकर कहा कि इससे पंजाब भाजपा कैप्टन के गठबंधन से विजय प्राप्त करेगा और इसी से वहां पर सरकार बनेगी, क्योंकि लोग सभी को देख चुके हैं, यानी कि सभी के कार्य और रंग ढंग देख चुके हैं, इसी के वहां पर भाजपा कैप्टन के गठबंधन की सरकार बनेगी। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। और इसको लेकर जो है वो वैसे ही कह रहे हैं कि जब 18 की उम्र में पीएम चुना जा सकता है तो लाइफ पार्टनर क्यों नहीं पीछे। अब ओबीसी की समझ के ऊपर को सारे देश में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, वो चीजों को सही संदर्भ में सोच नहीं सकते। सरकार ने बहुत कुछ सोचकर लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल किया है ताकि लड़की पूरी तरह से समझदार हो जाए और व्यस्क हो जाए और वो सब चीजों को समझने लगे। सब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है, पहले ये कहते थे हम सियासत में नहीं आएंगे। देखिए, हर आदमी को छूट है, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, एक आदमी भी पार्टी बना सकता है, दो वाला भी बना सकता है, 100 वाला भी बना सकता है, कोई भी बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब पंजाब में कैप्टन के साथ गठबंधन हो गया है, कितना बेनिफिट मिलेगा? पंजाब में भाजपा और अमरिंदर सिंह गठबंधन पूरी तरह से विजय प्राप्त करेगा और वहां पर इस गठबंधन की ही सरकार बनेगी, क्योंकि बाकी सबको लोग देख चुके हैं, सबके कर्तव्य देख चुके हैं, सबके रंग ढंग देख चुके हैं, इसलिए इस गठबंधन की ही सरकार बनेगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।